डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो पेपर है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो एक कंपलसरी पेपर है और ये सेमेस्टर 3 में फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 1 है और सेमेस्टर 4 में फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में यानी कि इस सेमेस्टर में आपको नॉन विस्कस फ्लूइड के बारे में स्टडी करना है और फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो है विस्कस फ्लूइड के बारे में स्टडी करना है। तो इसमें अगर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स को हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, मैसेज कर देंगे आपको व्हाट्सएप पे और कोर्स आप देख लीजिएगा। कोर्स वेबसाइट पर भी अवेलेबल है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, वहां से भी ले सकते हैं। तो कोर्स के डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। इसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे और इस सेमेस्टर में नॉन विस्कस फ्लूइड की मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे। तो इसमें जो बुक्स हम कंसीडर करेंगे वो बुक्स हैं SWU1 की फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक है, वो बुक हमारे पास अवेलेबल है। ये बुक है फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स SWU1, ये आपको डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में ही मिल पाएगी, बाहर नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स बाय जोसेफ एंड नूरी, इसको हम कम यूज करेंगे, ये SWU1 को हम ज्यादा यूज करेंगे। और इसके अलावा हम और भी तमाम बुक्स को यूज करेंगे जिसमें फ्रैंक चार्टन की किताब है और फॉक्स की बुक है, कई किताबें हैं। लोकल बुक्स में अगर जाएंगे तो MD राय सिंघानिया की बुक है, लेकिन वो लोकल बुक्स को हम प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़िए, ये आपको लाइब्रेरी में ही अवेलेबल हो पाएंगे, जो कि इस समय लॉकडाउन में आपको पाना मुश्किल होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दें और जो भी जरूरी टॉपिक्स हैं उनका आपको मटेरियल मिल जाए, तो वो हम समय समय पर देते रहेंगे। और हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस का मोड होगा उसमें हमारा तरीका ये होगा कि हम वीडियो लेक्चर्स बना के YouTube पे अपलोड कर देंगे, उसका लिंक आपको दे देंगे और उसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से एक बार, दो बार, तीन बार, जब चाहें, जितना चाहें देखते रहिए। और मेरे समझ से ये बेहतर तरीका है। ये बात जरूर है इसमें कि आप हमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते इस मेथड में, तो उसका तरीका यह है कि हम व्हाट्सएप पर आपके साथ जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहेंगे और व्हाट्सएप पर अगर कोई टॉपिक विशेष में आपको दिक्कत है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, लेकिन इतने सारे बच्चे हैं तो फोन को अवॉइड करिए जब तक बहुत जरूरी ना हो। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स में। जो पहला टॉपिक है बेसिक शुरू करते हैं कि फ्लूइड क्या है, व्हाट इज फ्लूइड। तो आप सभी जानते हैं कि फ्लूइड में हम दो स्टेट्स को रखते हैं, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस 3 स्टेट में पाया जाता है और वो स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड में कंसीडर करते हैं। इसके अलावा एक और स्टेज
को कंसिडर किया जा सकता है वो है प्लाज्मा स्टेट, यानी फ्लूइड और सॉरी गैस और लिक्विड के बीच का स्टेट होता है प्लाज्मा स्टेट, उसको भी हम फ्लूइड में कंसिडर करते हैं, लेकिन वो चूंकि मोस्ट कॉमन नहीं है इतना और बहुत हाई टेम्परेचर पर ये मिलता है हमको, तो इसको यूजुअली कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन प्लाज्मा जो है वो भी एक फ्लूइड की ही स्टेट है, फ्लूइड में ही उसको कंसिडर कर सकते हैं, किया जाता है। तो फ्लूइड क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो जो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स पे यानी कि निचले दर्जे में आप लोगों ने फ्लूइड की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि जो लिक्विड है और जो गैस है वो फ्लूइड है। लेकिन क्यों ये फ्लूइड में कंसीडर किए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इस पे हम फोकस करेंगे। तो सॉलिड और फ्लूइड में पहले फर्क जानते हैं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सॉलिड और फ्लूइड में क्या फर्क है, देखिए जो सॉलिड बॉडीज होती हैं उनमें अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, वो विकृत हो जाएगी, उसका शेप बदल सकता है, ये होगा। और अलग अलग तरह के मटेरियल की सॉलिड बॉडी में फोर्स की मात्रा अलग अलग होगी डिफॉर्मेशन लाने के लिए। फ्लूइड में भी इसी तरीके से डिफॉर्मेशन लाने के लिए फोर्स को अप्लाई करना होगा। सॉलिड जो मटेरियल है उसमें एक निश्चित सीमा तक फोर्स अगर लगाया जाए, यानी उस सीमा को क्रॉस ना करे, एक निश्चित सीमा तक अगर फोर्स लगाया जाए तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा। उस सीमा के बियॉन्ड अगर जाके फोर्स लगाएंगे, उस लिमिट के बियॉन्ड फोर्स लगाएंगे, तो फिर जो सॉलिड मटेरियल है वो टूट सकता है, उसमें क्रैक आ सकता है, ऐसा हमें नहीं करना है। तो हम उस सीमा तक अगर फोर्स लगाएं जो कि कहा जाता है विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की सीमा के अंदर, यानी उसकी इलास्टिसिटी बनी रहे, इलास्टिसिटी टूटने ना पाए, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, तो उस पर अगर किसी सॉलिड बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, सपोज मान लीजिए कोई लोहे का तार है या किसी और मटेरियल का है, तो मान लीजिए कि एक पेन है और हमने इस पर फोर्स लगाया, ये आप देख रहे हैं ये डिफॉर्म होने लगा, ठीक है, डिफॉर्म हुआ, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे और डिफॉर्म होगा, और एक निश्चित सीमा से ज्यादा लगा देंगे तो टूट जाएगा, उस सीमा तक नहीं जाना है, उसके भीतर रहना है। तो इस पे अगर हम विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी फोर्स लगाएं तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा और ये फोर्स हटा लेने पर ये वापस अपने शेप में आ जाएगा, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से तमाम और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि ये एक सॉलिड बॉडी, ये एक सॉलिड है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ये डिफॉर्म हुआ, फोर्स हटाया, वापस अपनी स्टेट में आ गया। लेकिन फ्लूइड है, मान लीजिए वाटर है, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी ले लीजिए, आधा खाली रहे, उसको टेढ़ा करिए,
हिलाइए, देखेंगे कि जो उसके अंदर पानी है वो बॉटल के अंदर, उसका जो शेप है वो बदलेगा। क्यों बदला? क्योंकि उसके आप ऊपर आपने फोर्स लगाया। फोर्स कैसे लगाया? उसको टेढ़ा करेंगे या किसी तरफ घुमाएंगे, तो फोर्स लगा के ही तो घुमाएंगे। तो फोर्स डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा है कि वाटर पे लग रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। तो उसमें भी डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ। आप एक स्टेज में बॉटल को रखेंगे, फ्लूइड का शेप कुछ रहेगा, उसको आप पलट दीजिए, शेप उसका बदल जाएगा। जो भी बॉटल की पोजीशन लेंगे अकॉर्डिंगली उसका शेप हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक स्टील की बॉटल है, इसके अंदर का पानी दिखेगा तो नहीं आपको, लेकिन इस स्टेज में रखेंगे, मान लीजिए इतना पानी है, तो इसका जो भी शेप है वो होगा। आपने ऐसे किया, अब वो इस शेप में आ जाएगा, तो शेप तो हुआ, उसका डिफॉर्म हो गया। ठीक है, डिफॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है। तो इस तरीके से लिक्विड में भी और गैस में भी, यानी फ्लूइड में डिफॉर्मेशन फोर्स लगाने पर होता है, लेकिन इसके डिफॉर्मेशन और सॉलिड के डिफॉर्मेशन में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो फ्लूइड का डिफॉर्मेशन है उसमें जब आप फोर्स लगाएंगे, आपको टेंजेंशियल फोर्स लगाना होगा डिफॉर्मेशन के लिए, वर्टिकल नहीं, मतलब नॉर्मल फोर्स नहीं। जैसे कि ये इसके अंदर लिक्विड है, वाटर है, और इसके उसको ऐसे दबाएंगे आप, तो अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड नहीं होगा तो फिर उसके शेप में चेंज नहीं है। गैस कंप्रेसिबल है तो उसमें तो चेंज आएगा, लेकिन लिक्विड में नहीं आएगा। तो टेंजेंशियल फोर्स की हम इसीलिए बात करते हैं। जैसे इस पे हमने टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगाया, तो आप देख रहे हैं इसका शेप जो है, इसके अंदर जो वाटर होगा वो बदल गया होगा, उसका शेप डिफॉर्म हो गया होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स जब हम लगाते हैं फ्लूइड के ऊपर, तो उसमें डिफॉर्मेशन आता है। और ये डिफॉर्मेशन होता ही चला जाएगा जब तक इसके ऊपर आप फोर्स लगाए रखेंगे। फोर्स हटा लेने के बाद डिफॉर्मेशन जीरो नहीं हो जाएगा, यानी डिफॉर्मेशन खत्म नहीं होगा, यानी कि फ्लूइड वापस अपने शेप में नहीं आएगा। आपने फोर्स लगा के डिफॉर्मेशन किया, फोर्स हटा लिया, डिफॉर्मेशन बना रहेगा, जितना डिफॉर्मेशन हो गया वो बना रहेगा। सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड में बियॉन्ड द लिमिट ऑफ विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी आप फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन होगा, और फोर्स हटा लेते ही डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वापस अपने शेप में आ जाएगी बॉडी। लेकिन फ्लूइड में ऐसा नहीं होता। फ्लूइड में आप फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मेशन होगा, फोर्स हटा लेने पर डिफॉर्मेशन खत्म नहीं होगा। ये जो है बेसिक डिफरेंस है सॉलिड और फ्लूइड में। इसके अलावा फ्लूइड में डिफॉर्मेशन लाने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए, कम फोर्स में ही डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर फ्लूइड नॉन विस्कस है, यानी उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं, विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लूइड की इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जब फ्लूइड मूव करता है तब यह रेजिस्टेंस दिखता है। तो फ्लूइड को मूव कराने के लिए, मूव जब कराते हैं तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जो कि मोशन का विरोध करता है। ये गैस में कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, और अलग अलग तरह के लिक्विड में अलग अलग होता है। वाटर में ये कम होगा, हनी यानी शहद जितना गाढ़ा होता जाएगा लिक्विड उसमें ज्यादा होगा, कोल तार में और ज्यादा होगा। तो ये विस्कोसिटी जो है फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो कि इंटरनल फ्रिक्शन जिसकी वजह से क्रिएट होता है,
और इंटरनल फ्रिक्शन क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बाउंडिंग है ये उसकी मात्रा पे निर्भर करता है कि कितनी ज्यादा स्ट्रांग फोर्स से दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। गैस में चूंकि ये बॉन्डिंग वीक होती है इसलिए वहां विस्कोसिटी कम होती है, जीरो नहीं होती है, लेकिन जनरली हम गैसेस में विस्कोसिटी को जीरो मान लेते हैं, इतनी कम होती है कि जीरो मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जीरो नहीं होती, चाहे जितनी कम हो लेकिन जीरो नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे डिफॉर्मेशन की और फोर्स की, जो उसके ऊपर मात्रा लगाए तो कितना डिफॉर्मेशन हुई इसकी बात कर रहे थे। तो ये विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा कि कितना डिफॉर्मेशन होगा कितने फोर्स पे, कितना फोर्स चाहिए कितने डिफॉर्मेशन के लिए फ्लूड के केस में। और फ्लूड का जो डिफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से एक डिफॉर्मेशन की एक स्टेट से दूसरी स्टेट अचानक से मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि ये डिफॉर्मेशन हुआ और अगला डिफॉर्मेशन ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये पूरा कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन में मतलब सारी स्टेट वो लेगा बीच ही। तो फ्लूइड में चाहे जितना स्मॉल फोर्स लगाया जाए, अगर नॉन विस्कस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, नॉन विस्कस फ्लूइड अगर है विस्कोसिटी उसके अंदर नहीं है तो चाहे जितना स्मॉल फोर्स लगाया जाए डिफॉर्मेशन होगा, ये आईडी भी ऐसा होगा। वास्तव में भले ऐसा ना होता, वास्तव में इसलिए नहीं होगा क्योंकि विस्कोसिटी जीरो हो ऐसा होता नहीं, लेकिन आइडियली अगर हम बात करें कि विस्कोसिटी जिन फ्लूइड्स की नहीं है यानी उनके अंदर कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है जिसकी विस्कोसिटी जीरो है, जैसे एयर हम इसमें ले लेते हैं, तो अगर ऐसे फ्लूइड हैं तो उनके ऊपर चाहे जितना स्मॉल फोर्स लगाया जाए, टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाए, उनमें डिफॉर्मेशन जरूर होगा। चाहे जितना स्मॉल फोर्स लगाया जाए डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में एक लिमिट्स के ऊपर का ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा तब डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, लेकिन नॉन विस्कस फ्लूइड में चाहे जितना स्मॉल फोर्स लगाया जाए डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा और ये डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होगा और जब तक फोर्स लगा रहेगा डिफॉर्मेशन होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो डिफॉर्मेशन हुआ उसके बाद डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डिफॉर्म होना बंद हो जाएगा फ्लूइड, ऐसा नहीं होगा। फ्लूइड की यह प्रॉपर्टी है कि अगर आपने फोर्स लगाया तो उसके अंदर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता रहेगा, फ्लूइड की मात्रा आप भले ना बढ़ाएं, एक निश्चित फोर्स लगा रहेंगे तो जितनी देर तक लगा रहेंगे डिफॉर्मेशन होता रहेगा। सॉलिड में ऐसा नहीं होता, एक आपने फोर्स लगाया डिफॉर्मेशन उस फोर्स से जितना होना होगा हो जाएगा, और डिफॉर्मेशन चाहिए तो और फोर्स लगाइए, लेकिन फ्लूइड में ऐसा नहीं। फ्लूइड में आपने फोर्स लगाया डिफॉर्मेशन होना शुरू होगा तो फिर होता ही रहेगा जब तक आप फोर्स हटा नहीं लेंगे, तो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो फ्लूइड में हम डिफॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं, हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करते हैं या वेलोसिटी ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, इसलिए क्योंकि कितने समय में कितना डिफॉर्मेशन हुआ यह इंपॉर्टेंट है, केवल डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि दो अलग अलग तरह के फ्लूइड हो, वाटर हो और मान लीजिए हनी, तो वाटर में हमने मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, हनी में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो डिफॉर्मेशन कम होगा, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि फोर्स अगर लगा है तो डिफॉर्मेशन होता ही रहेगा, तो उतना ही डिफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हनी में थोड़ा ज्यादा देर तक फोर्स लगाना पड़ेगा और वाटर में कम देर तक फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि आपने वाटर में 1 सेकंड में जितना डिफॉर्मेशन प्राप्त कर लिया है, हो सकता है हनी में उतना डिफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए 10 सेकंड तक फोर्स लगाना पड़े, लेकिन डिफॉर्मेशन उतने ही फोर्स से हो जाएगा, फोर्स की मात्रा नहीं बढ़ानी पड़ेगी। तो फ्लूइड में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करना ठीक होगा, ना कि केवल डिफॉर्मेशन की बात करना।
यानी कितने समय में कितना डिफॉर्मेशन हुआ। तो यहां पे हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी कि अगर फोर्स लगाया गया तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को चेक करना जरूरी है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन देखना ठीक होगा, क्योंकि उतने ही फोर्स से अलग अलग तरह के लिक्विड में उतना ही डिफॉर्मेशन हो सकता है, केवल समय का फर्क है। तो अब सवाल यह हुआ कि तो अगर इस आधार पर फ्लूइड्स को डिस्टिंग्विश करना है, उनको अलग अलग करना है, तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि डिफॉर्मेशन तो उतने ही फोर्स से उतना डिफॉर्मेशन दोनों में हो जा रहा है, तो समय देखना जरूरी है। तो यह देखना जरूरी है कि कितने समय में हुआ है, यह इंपॉर्टेंट है। तो फ्लूइड के केस में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, नॉट डिफॉर्मेशन। सॉलिड में डिफॉर्मेशन देखने से ही काम हो जाएगा, यानी कितना डिफॉर्मेशन के लिए कितना फोर्स लगाया गया, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, लेकिन फ्लूइड में ऐसा नहीं है। फ्लूइड में उतना ही डिफॉर्मेशन सेम फोर्स से उतना ही डिफॉर्मेशन हर फ्लूइड में मिल सकता है, हर तरह के फ्लूइड में मिल सकता है। तो फोर्स और डिफॉर्मेशन के रिलेशन के आधार पर फ्लूइड में डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता। डिफरेंस देखना है अगर कि अलग अलग तरह का फ्लूइड है या नहीं है, तो फोर्स और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को देखना चाहिए। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट इन फ्लूइड्स, वेयर एज इन सॉलिड ओनली डिफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। तो एक तो ये अंतर हुआ, जो मुख्य अंतर है वो ये है, सॉलिड और लिक्विड में अंतर ये है कि सॉलिड में फोर्स को लगाने से डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, और एक निश्चित सीमा से अधिक फोर्स होना चाहिए तब डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, और वो एक निश्चित सीमा से कम भी होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो फिर डिफॉर्मेशन के बजाय परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी बॉडी टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। तो विद इन द सर्टेन लिमिट अगर हम फोर्स लगाएं सॉलिड में तो डिफॉर्मेशन होगा, और फोर्स हटा लेने पर डिफॉर्मेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन फ्लूइड में कितना भी स्मॉल फोर्स लगाएं, नॉन विस्कस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, नॉन विस्कस फ्लूइड में कितना ही स्मॉल फोर्स लगाएं डिफॉर्मेशन होगा, और फोर्स हटा लेने पर डिफॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। यही अंतर क्रिएट करता है सॉलिड और लिक्विड, इस आधार पर अंतर बताना होगा। अगर सॉलिड और लिक्विड में अंतर पूछा जाएगा और आप ये कहेंगे कि जो फ्लूइड है वो फ्लो कर जाता है या बह सकता है और लिक्विड बह नहीं सकता, तो ये इस तरह का अगर आप डिफरेंस बताएंगे एमएससी लेवल पे, तो आप को माना जाएगा कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आती। तो ये डिफरेंस आपको बताना होगा, फोर्स और डिफॉर्मेशन का जो रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। दूसरा जो हमने बताया कि लिक्विड के केसेस में, सॉरी फ्लूइड के केसेस में, हम गैस भी ले लेंगे इसमें, लिक्विड गैस दोनों, फ्लूइड के केस में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, नॉट डिफॉर्मेशन। तो जो फोर्स और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच का रिलेशन है वो महत्वपूर्ण है, फोर्स और डिफॉर्मेशन के बीच का रिलेशन माने नहीं रखता यहां पर। तो फ्लूइड की मैकेनिक्स को जब हम स्टडी करेंगे तो फोर्स और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के रिलेशन को देखना पड़ेगा, जबकि सॉलिड की मैकेनिक्स में फोर्स और डिफॉर्मेशन के रिलेशन को स्टडी किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका फ्लूइड और सॉलिड के बीच का डिफरेंस। अब इसमें एक बात जानना और इंपॉर्टेंट है, कि अगर फ्लूइड को हम स्टडी करेंगे
तो फ्लूट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, आप जानते हैं, कोई भी मटेरियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। सॉलिड की जो मैकेनिक्स है उसमें ये खास बात है कि कोई भी बॉडी का मोशन अगर हमें स्टडी करना है तो रिजिड बॉडी लेते हैं, उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक होगा और उसी सेंटर ऑफ मास के ही मोशन को हम देखते हैं। और जो सॉलिड बॉडी जितने भी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है वो आपस में इतने ज्यादा मजबूत फोर्स से बंधे हुए हैं कि उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। जब बॉडी मूव करेगी तो सारे मॉलिक्यूल एक साथ एक ही दिशा में मूव करेंगे, सबका मोशन की मात्रा, सबके डिस्प्लेसमेंट की मात्रा एक समान होगी। ये अगर सॉलिड बॉडी है और ये यहां से यहां तक जाती है तो ऐसा नहीं है कि इसके अलग-अलग मॉलिक्यूल्स अलग-अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ये सब इतने मजबूत फोर्स से बंधे हुए हैं कि वो सभी एक दिशा में, जिस दिशा में बॉडी मूव की उसी दिशा में सारे मॉलिक्यूल मूव की। लेकिन फ्लूइड में अगर हम लिक्विड के दो को देखें तो उसके मॉलिक्यूल्स भी मजबूत फोर्स से बंधे हुए हैं लेकिन सॉलिड के जितने फोर्स से नहीं बंधे हुए, उसके बनस्पत उसका फोर्स की मात्रा कम है। लेकिन फोर्स की मात्रा इतनी है कि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। यानी जो भी इनका आउटर सरफेस है उसके अंदर ही रहे, लेकिन उस सरफेस के अंदर वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन एक सीमा तक कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि थोड़ा बहुत मोशन उनका अलाउड है। सॉलिड में बिल्कुल अलाउड नहीं है, फिक्स है, जो दूरी बनी है वो बनी रहेगी, ये दूरी कम ज्यादा नहीं हो सकती। लिक्विड में ये दूरी कुछ हद तक कम ज्यादा हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और गैसेस में वो एक दूसरे से जुड़े हैं ही नहीं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री टू मूव। अप टू द एक्सटेंट विद इन द बाउंड्री ऑफ द वेसल, जिस भी बर्तन में वो रखे हैं उस बर्तन की सीमा तक वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। बर्तन में नहीं रखे हैं, अगर इस कमरे की हवा की बात की जाए तो इस कमरे के अंदर वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो उनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, सीमा वही है जो आउटर बाउंड्री है जिसके अंदर वो गैस फिलअप है। लेकिन स्वयं गैस की कोई बाउंड्री नहीं है। तो इनके जो फोर्सेस हैं जिनसे ये आपस में बंधे हैं ये इतने वीक हैं कि वो एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर अगर सॉलिड लिक्विड गैस की व्याख्या करी जाएगी तो सॉलिड के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, लिक्विड के उससे कम है और गैस के बिल्कुल कम है।
हम बात कर रहे थे कि इसकी डायनेमिक्स कैसे देखी जाएगी, अगर फ्लूइड की डायनेमिक्स देखनी है। सॉलिड की जो डायनेमिक्स आप स्टडी करते हैं या इन जनरल मैकेनिक्स की बात करें, तो सॉलिड की मैकेनिक्स में अगर कोई बॉडी है तो वो जिन भी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है वो इतने स्ट्रांग फोर्सेस से बंधे हुए हैं कि उन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है केवल उसके मोशन को आप देखिए, उससे काम चलेगा। लिक्विड में भी ये फोर्स इतने स्ट्रांग हैं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, तो यहां पर भी जो फ्लूइड है, सॉरी लिक्विड जो है, लिक्विड को हम एक कंटिन्यूअस मीडियम मान सकते हैं, यानी जिन भी मॉलिक्यूल से बना है वो इतनी दूर नहीं है, इतना गैप उनके अंदर नहीं है कि हम मीडियम को कंटिन्यूअस ना मान पाए। तो जो लिक्विड है उसको एक कंटिन्यूअस मीडियम मान सकते हैं। तो जो लिक्विड का पार्टिकल है उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा और उसको भी सॉलिड पार्टिकल की तरह ही एक पार्टिकल समझ करके उसके मोशन को स्टडी कर सकते हैं। वो कंस्टेंट तो इसमें बने ही रहेंगे जो आपको पहले बताया गया कि जो फोर्स हमने लगाया है इसमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन देखेंगे और सॉलिड के केस में डिफॉर्मेशन देखेंगे, वो बातें तो बनी रहेंगी। लेकिन पार्टिकल की तरह अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो लिक्विड को पार्टिकल की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, लिक्विड का पार्टिकल एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जरा गैस क्या है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर हैं कि अगर किसी गैस के मोशन को आपको स्टडी करना है, कहीं गैस फ्लो कर रही है मान लीजिए किसी पाइप में या कहीं और उसको स्टडी करना है, तो जिन पार्टिकल से वो मिलके बनी, जिन मॉलिक्यूल से वो मिलके बनी है गैस, उसके मॉलिक्यूल्स के मोशन अगर इंडिपेंडेंट देखे जाए सारे अलग अलग, तो हो सकता है कि ओवरऑल गैस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो, लेकिन उसका कोई मॉलिक्यूल देखा जाए तो हो सकता है कि तमाम मॉलिक्यूल दूसरी दिशा में मूव कर रहे हैं, लेकिन एवरेज मोशन इस दिशा में है। यानी बहुत सारी गैस को अगर हम देखें, एक बड़ा वॉल्यूम ले गैस का, तो वो वॉल्यूम का मोशन इस डायरेक्शन में है सपोज एक्स एक्सिस के अलावा, लेकिन उस वॉल्यूम के अंदर तमाम जो गैस के मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन है वो विभिन्न दिशाओं में है। उसमें हो सकता है कुछ वाई डायरेक्शन में, कुछ जेड डायरेक्शन में, और तमाम दिशाओं में अलग अलग मूव कर रहे हैं। तो अगर गैस को स्टडी करना है, गैस के मोशन को स्टडी करना है और हम हर मॉलिक्यूल का अलग अलग मोशन देखने बैठेंगे तो हम कभी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो एवरेज मोशन की बात करते हैं, एवरेजिंग करनी पड़ती है। एवरेजिंग करने के लिए हमें इतना बड़ा फ्लूइड गैस का वॉल्यूम लेना पड़ेगा कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या कम से कम इतनी ज्यादा रहे कि एवरेज निकाला जा सके, मान लीजिए। और ये तब होगा जब उसकी डेंसिटी ठीक ठाक होगी। मान लीजिए कि डेंसिटी बहुत कम है गैस की, जहां कहीं भी हम हैं वहां डेंसिटी बहुत कम है जिस भी गैस को कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया और उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं केवल 100 या 1000 या 10000 या लाख, तो ये संख्या बहुत कम है। इतने कम अगर गैस के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे तो आप एवरेज नहीं निकाल पाएंगे, एवरेज मोशन निकालना बहुत मुश्किल होगा। या इसको और अच्छे से देखना है तो मान लीजिए कि उसके अंदर केवल 2 मॉलिक्यूल हैं, एक इस दिशा में जा रहा है एक इस दिशा में जा रहा है, आप एवरेज क्या निकालेंगे, एवरेज मोशन कैसे निकालेंगे।
तो एवरेज मोशन भी अगर लेना है तो उसके अंदर संख्या ठीक ठाक तब एवरेज निकलेगा, नहीं तो एवरेज निकालने का कोई मतलब ही नहीं। मान लीजिए एक ही मॉलिक्यूल है तो एवरेज कहां से निकलेगा? तो एवरेज निकाल, एवरेज भी आपको एवरेज के कॉन्सेप्ट को यूज करके भी अगर आपको स्टडी करना है तो उसके लिए भी जब संख्या अच्छी होगी, ज्यादा संख्या होगी, तभी आपका एवरेज अच्छा निकलेगा और आप उसको स्टडी कर पाएंगे। नहीं तो आपका एवरेज भी जो आएगा वो भी ऐसा नहीं आएगा कि वो आप उसमें बहुत एरर आएगा, जो अब जो भी आप स्टडी करेंगे, वेलोसिटी निकालें, एक्सेलरेशन निकालें या कुछ भी निकालें, उसमें इतना एरर आएगा कि ये कॉन्सेप्ट भी काम नहीं करेगा एवरेज वाला। तो अगर गैस को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है तो वो ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा जब उसकी डेंसिटी हाई हो। जब हाई डेंसिटी होगी तो एक वॉल्यूम में जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे और फिर वहां पर एवरेज मोशन आपको देखने को मिल जाएगा, एवरेज जो है प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। तो जो गैस है, इस सबस्टेंस को हम कंटिन्यूअस मीडियम या कंटिन्यूअस सबस्टेंस तब बना पाएंगे, तब ले पाएंगे जब उसकी डेंसिटी हाई हो। और नहीं तो मान लीजिए इतने बड़े कमरे में 10 मॉलिक्यूल है गैस के, तो उसमें कंटिन्यूटी कहां रहेगी? एक मॉलिक्यूल यहां है, एक वहां है, एक यहां है, तो वो कंटिन्यूअस सब्सटेंस तो रही नहीं गया। तो आप गैस का पार्टिकल लेंगे कहां पे? यहां लेंगे कि वहां लेंगे कि कहां लेंगे? क्योंकि कंटिन्यूटी क्या है, एक मॉलिक्यूल से एक आप पार्टिकल तो नहीं बना सकते। तो अगर पार्टिकल की कल्पना करनी है गैस में तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप उसको कंटिन्यूअस सब्सटेंस की तरह ट्रीट करें। और कंटिन्यूअस सब्सटेंस तब मिलेगा, कंटिन्यूअस का मतलब है ब्रेक, कंटिन्यूअस सब्सटेंस तब मिलेगा जब डेंसिटी हाई हो। इसी को कहा जाता है कंटिन्यूम हाइपोथेसिस या कंटिन्यूम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। कंटिन्यूम प्रॉपर्टी का मतलब हम कंटिन्यूअस सब्सटेंस या कंटिन्यूअस मटेरियल या कंटिन्यूअस मीडिया है तो लिक्विड के केस में प्रॉब्लम नहीं है, गैस के केस में प्रॉब्लम है। तो गैस को कंटिन्यूअस तब माना जा सकता है जब उसकी डेंसिटी हाई हो। तो कंटिन्यूम का जो हाइपोथेसिस है, अगर उसको आपको यूज करना है तो उसके लिए भी दो कंडीशन है। एक तो डेंसिटी हाई होनी चाहिए। तो डेंसिटी हाई का मतलब क्या है? डेंसिटी हाई का मतलब यह है कि जो मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स गैस के मूव करते हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जब टकराते हैं तो उस टकराने के बीच में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग ट्रेवल करेगा। तो इसका लेकिन कुछ एवरेज होगा, तो वही जो एवरेज है वो मीन फ्री पाथ कहलाता है। तो कोई गैस कंटिन्यूम हाइपोथेसिस तब अप्लाई हो पाएगी जब उसका जो मीन फ्री पाथ है, यानी उसकी डेंसिटी इतनी हाई हो कि मीन फ्री पाथ, ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो, इतनी कम हो कि जहां पर हमने इस पार्टिकल को कंसीडर किया है गैस को स्टडी के लिए, मान लीजिए कि हम जो है एक बहुत छोटे से कैप्सूल में गैस को स्टडी कर रहे हैं, तो मीन फ्री पाथ जो है फिर इतना होना चाहिए जो कि कैप्सूल का डायमीटर या जो उसकी लेंथ है उससे बहुत कम होना चाहिए, यानी डेंसिटी उसके अंदर इतनी हाई हो कि मीन फ्री पाथ उस कैप्सूल की लेंथ से, डायमेंशन से बहुत कम हो, तब तो वहां पे आप स्टडी कर पाएंगे। और अगर मीन फ्री पाथ ही उस कैप्सूल के उससे ज्यादा है तो फिर वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता।
कंटिन्यू हाइपोथेसिस का, कहाँ की कंटिन्यूटी रह जाएगी, वो तो कैप्सूल से बाहर निकला जा रहा है, उसका मीन प्रीफाथ ही, यानी ये माना जाए कि उस कैप्सूल के अंदर एक भी मॉलिक्यूल नहीं होगा या एक मॉलिक्यूल होगा, तो वहां पे गैस कहाँ है, पार्टिकल तो लेने का सवाल ही नहीं। तो पार्टिकल के रूप में अगर गैस को कंसिडर करना है तो उसका मीन फ्री पाथ बहुत कम होना चाहिए, और दो मीन फ्री पाथ कम होने का मतलब यह है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो टकराने का समय है वो बहुत कम होना चाहिए। ये दोनों बातें जब होंगी, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस लग सकती है। तो फ्लूइड में गैस पे कंटिन्यूम हाइपोथेसिस लगाने की जरूरत है, मतलब हर गैस को आपको अगर पार्टिकल मान के स्टडी करना है तो नहीं कर सकते, तभी स्टडी कर सकते हैं उसको जब उसकी डेंसिटी हाई है, तभी उसको कंटिन्यूस मीडियम मान सकते हैं और उसके किसी वॉल्यूम को एक पार्टिकल मान के स्टडी कर सकते हैं, तब आपको ठीक रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो आपको रिजल्ट ठीक नहीं मिलेंगे। तो गैस के ऊपर ये कंटिन्यूम का जो थ्योरी है उसको अप्लाई करना जरूरी है, और कहाँ अप्लाई होगी ये हमने आपको बताया, जब मीन प्रीफाथ कम होगा, मीन प्रीफाथ पे भी मत जाइए, डेंसिटी पे देखने कि डेंसिटी अगर बहुत कम है तभी ये अप्लाई हो पाएगा। तो कंटिन्यूस मीडियम की तरह अगर फ्लूइड को स्टडी करना है तो लिक्विड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैस के केस में जब डेंसिटी हाई होगी तभी आप उसको कंटिन्यूस मीडियम मान करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर था इसमें आपको ये जानने को मिला कि किस सब्सटेंस को फ्लूइड के रूप में कंसीडर किया जा सकता है, सॉलिड और फ्लूइड में क्या अंतर है, फिर लिक्विड और गैस में क्या अंतर है, गैस को कंटिन्यूअस मीडियम कब मान सकते हैं, यानी गैस के ऊपर अगर मैकेनिक्स लगानी है आपको फ्लूइड की तो कब लगेगी, जब उसको एक कंटिन्यूस मीडियम, जब वो एक कंटिन्यूस मीडियम होगा, और वो तब होगा जब उसकी डेंसिटी हाई होगी। तो ये इतनी बातें हो गई, इसका मटेरियल हम आपको सेंड कर देंगे जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो लोग उसमें नहीं जुड़े हैं उनसे कहिए उसमें जुड़ें, और हम अपना सारा कम्युनिकेशन उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर करेंगे आपके साथ। तो ये मटेरियल हम आज जो हमने लेक्चर आपको दिया इसको आप इसकी वीडियो आप देखिए समझिए, और इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।